चोरी के वारदातों में भी बेहद शातिराना तरीके से मध्य प्रदेश के खरगोन में रहने वाले दो युवक शहर में चोरी करने की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इनका तरीका भी थोड़ा अलग है। यह ताले की चाबी बनाने के नाम पर आपके घर में घुसते हैं और कीमती सामान चोरी करके भाग निकलते हैं। चोरी आपके सामने ही करते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। बहरहाल अब यह पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन दोनों शातिर चोरों ने दो घरों को अपना निशाना बनाया था, लेकिन अब यह दोनों चोर पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। दरअसल कटघर थाना क्षेत्र के परिजादा में रहने वाले मोहम्मद अनिस पुत्र मोहम्मद हनीफ और कटघर थाना क्षेत्र के ही गोविंद नगर में रहने वाले हीरा लाल वर्मा पुत्र 13 मई को कटघर थाने में अपने घरों में हुई चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। कटघर थाना पुलिस ने चोरी की घटनाओं को दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। कटघर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दो आरोपियों को गिरफ्तार करके खुलासा भी कर दिया है। ये कटघर थाना क्षेत्र में दो चोरी के अभियोग पंजीकृत हुए थे, जिसकी मॉडस अपरेंडी लगभग एक जैसी थी कि दो लोग चाबी बनाने के काम के लिए घर में बुलाए गए और जब वो गए तो वहाँ से कुछ सामान उनका गायब था। इस पर हमारी कटघर की पुलिस सक्रिय हुई और चोरों के खिलाफ हमारे शहर में हमारे जनपद में जो निरंतर अभियान चल रहा है श्रीमान SSP महोदय के निर्देशन में, उसी के तहत ये सफलता थाना कटघर पुलिस को प्राप्त हुई है। इसमें CEO कटघर साहब का सक्रिय योगदान रहा और ये दो अभियुक्त और जो सामान गायब हुआ था वो बरामद हुआ है। इसमें खास बात यह है कि ये दोनों अभियुक्त मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो वहाँ से भी पूर्व में ये लोग जेल जा चुके हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि हम लोग चाबी बनाने के लिए जब घर पर जाते हैं तो जब घर वाले वहाँ खड़े होते हैं, इस दौरान हम उनको किसी बहाने से कि कुछ रुई या अन्य सामान तेल जैसी कोई चीज़ जिसकी ज़रूरत होती है कि आप ज़रा ला के दे दीजिए, जैसे ही वो लोग वहाँ से हटते हैं तो ये तेज़ी से बहुत सफाई से उसका लॉकर खोल के सामान निकाल के उसको बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब ये चले जाते हैं तो बाद में लोगों को पता चलता है कि उनके यहाँ से सामान गायब हुआ है। तो इस पर हमारी टीम ने काम किया और ये दो अभियुक्त हैं, एक विष्णु और राजेश, ये खरगोन और बड़वानी जिला मध्य प्रदेश के हैं। ये गिरफ्तार हुए हैं। इनके कब्जे से एक अंगूठी, 3 लॉकेट और कुछ सामान, हथौड़ा, चाबी स्टैंड, बड़ी संख्या में चाबियाँ, ये सब बरामद हुआ है जो ये लोग इस काम के लिए इस्तेमाल करते थे। और एक अच्छी सफलता कटघर पुलिस को मिली है, जिसके लिए उनको बधाई दी जाती है। और ये यूपी में भी सिर्फ चोरी करने या और भी काम है? नहीं, ये लोग बहाना तो इनका है कि ये लोग अपना चाबी बनाने का काम करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में ये लोग यहाँ किसी होटल में रुके हुए भी हैं पिछले समय से और ये लोग इसके बहाने चोरियाँ करते हैं। कितना टाइम से कर रहे हैं ये? विगत 2-3 माह से यहाँ पर कर रहे हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी और भी इन्होंने चोरियाँ की होंगी। अभी दो चोरियाँ क्योंकि ये तात्कालिक थी, इनके बारे में इनसे पूछताछ की गई, अभी इनसे और पूछताछ। मुरादाबाद या इसके अलावा और भी प्रदेश में ये पहले जेल काट चुके हैं? हाँ, इन्हीं चोरी के मामले में ही पूर्व में भी जेल गए ये, और वो दोनों ही मुकदमे मध्य प्रदेश के थे। सर, ये तो दो चोरी हुई हो सकता है कि वहाँ और मुकदमे इन पर रहे हों और वहाँ की पुलिस इनको तलाश रही हो, इस वजह से इतना दूर आके अभी ये घटनाएं घटना। सर, दोनों चोरी में यही दोनों लोग शामिल थे? हाँ, फिलहाल इन दो के नाम ही आए। थैंक यू। मुरादाबाद से रेहान अंसारी, रिपोर्ट JK News।